गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्री फाइट पॉडकास्ट फॉर यूएफसी फाइट नाइट जोसे ऑल्डो वर्सेस रॉब फॉन्ट। वैसे आई हैव अ लॉट टू से इन टर्म्स ऑफ द बैंटमवेट डिवीजन, क्योंकि बहुत क्योटिक चल रहा था। रिसेंटली हमने एक फाइट देखा था जहाँ पे वी सॉ कोरी सैंडिगन फाइट पीटेयन, एंड दैट वाज फॉर द इंटरिम टाइटल। एंड ऑब्वियसली अल्जमिन स्टर्लिंग इज द चैम्पियन राइट नाउ, तो सिंस पीटेयन वन, पीटेयन वर्सेज अल्जमिन स्टर्लिंग का रीमैच इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव टी जे डिलाशा जो फॉर्मर चैम्पियन थे, एंड ही डिड नॉट लूज दिस टाइटल एज सच। उनको बैन किया गया था बिकॉज ऑफ सम EPO यूजेज, एंड ही इज़ बैक, तो ऑब्वियसली वो टाइटल के लिए फाइट करेंगे उसके बाद। एंड समवेयर उसके बाद अगर हम कंसिडर करें कि हु इज अनदर पोटेंशियल कैंडिडेट जो टाइटल के लिए फाइट करें, दैट्स वेर दिस फाइट इज़ वेरी रेलिवेंट। वी हैव जोसे ऑल्डो एंड रॉब फॉन्ट जो दोनों टाइटल फाइट के लिए डेफिनेटली जाना चाहते हैं। जोसे ऑल्डो ने ऑब्वियसली पीटेयन के साथ फाइट किया था एंड ही लॉस्ट, तो उनका थोड़ा क्लेम कम रहेगा इफ पीटेयन इवेंचुअली विंस। बट रॉब फॉन्ट ने बहुत क्लियरली दिखाया कि ही इज गनिंग फॉर दैट टाइटल। एंड उनका जो लास्ट थोड़े फाइट्स हैं, अगर हम एक बार रिकैप करें, उन्होंने मार्लन मोराइस को राउंड वन में ही नॉकआउट कर दिया था। मुझे याद है इस टाइम पे मैंने बोला था कि मार्लन मोराइस शुड विन दिस, इट्स अ वेरी वन साइडेड फाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट रॉब फॉन्ट सरप्राइज मी। एंड सेम वे कोडी गारब्रांड वाला फाइट जब हुआ था, मैंने तो पिक किया था कि कोडी गारब्रांड वुड विन, एंड मुझे काफ़ी लगा था कि ही वुड एक्चुअली आउट क्लास रॉब फॉन्ट इवेंचुअली। बट रॉब फॉन्ट ने एक्चुअली कम्प्लीटली उल्टा किया, ही आउट क्लास्ड कोडी गारब्रांड इन स्ट्राइकिंग, विच इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोडी गारब्रांड को कोई स्ट्राइकिंग में आउट क्लास करके हरा दे, दैट टू अ डिसीजन। एंड व्हेन आई विटनेस दैट, दैट्स वेयर समवेयर मैंने रॉब फॉन्ट को डाउट करना बंद कर दिया। एंड इफ आई हैव टू गिव जोसे ऑल्डो हिज प्रॉप्स, इवन दो जोसे ऑल्डो फाइट ईयर्स में काफ़ी टाइम से हैं, वो काफ़ी टाइम से फेदरवेट चैम्पियन थे, फिर मैक्स हॉलोवे से दो बार हारे, कॉनर मैकग्रेगर से हारे ऑब्वियसली, एंड इवेंचुअली ही हैड अ फ्यू लॉसेस इन फेदरवेट डिवीजन। बट जब से वो बैंटम वेट में आए हैं, आई कैन क्लियरली सी कि ही इज़ डूइंग रियली वेल। उन्होंने जब इनिशियली मार्लन मोराइस के साथ फाइट किया था, इवन दो इट वॉज अ डिसीजन लॉस फॉर हिम, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ही वन द फाइट। इवन द चैम्पियन एट दैट टाइम हेनरी साउडो ने बोला था कि ही वॉन्ट्स टू फाइट जोसे ऑल्डो बिकॉज ही डिजर्व टू विन दैट फाइट। इवेंचुअली वो नहीं हुआ, विच वॉज अनफॉर्चुनेट, बट देन ही ऑल्सो गॉट टू फाइट पीटेयन, एंड वहाँ पे पीटेयन के अगेंस्ट ही डिड रियली वेल। उन्होंने एक ऐसा वेपन अपना री इन्वेंट किया लेग किक्स का, जो काफ़ी टाइम से उन्होंने यूज़ नहीं किया था, एंड ही वॉज लाइक क्लियरली नोन फॉर इट। जैसे अभी हम जस्टिन गेजी को जानते हैं फॉर इस लेग किक्स, सेम वे जोसे ऑल्डो उस टाइम पे लेग किक्स के बादशाह थे, एंड ही डिड वेल। उन्होंने एक्चुअली राउंड टू बहुत डिसाइसिवली जीता था, इवेंचुअली वो लॉस्ट, बट इट वॉज अ डिसेंट फाइट फॉर हिम। एंड जब से वो फाइट हुआ है, उसके बाद से जो दो फाइट हुए थे मार्लन वेरा के अगेंस्ट और पेड्रो मुनियोज़ के अगेंस्ट, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया था। मुझे याद है चीतो वेरा वाला फाइट जहाँ हुआ था, मैंने कहा था कि चीतो इज़ इन दैट पोजिशन जहाँ पे वो अभी ओवरटेक करेंगे, ही विल विन द फाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जोसे ऑल्डो ने एक ऐसा चीज़ दिखाया उस फाइट में विच आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। उन्होंने राउंड टू डोमिनेटली जीतने के बाद, राउंड थ्री जो सबसे मैटर करने वाला फाइट राउंड था, उसमें उन्होंने ग्रैपलिंग किया, एंड इवन चीतो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इट वॉज क्लियर। एंड व्हेन ही टुक हिज बैक एंड इवेंचुअली जब ग्राउंड पे लेकर गए, तो चीतो डिड नॉट हैव एन आंसर फॉर इट, एंड नोबडी एक्सपेक्टेड जोसे ऑल्डो टू डू दैट। तो समवेयर प्रॉप्स टू हिम फॉर री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ इन दैट सेंस। एंड पेड्रो मुनियोज़ वाला फाइट, इट वॉज काइंड ऑफ क्लियर कि वो जीतेंगे, एंड ही शोड वाई ही इज सो गुड। उन्होंने कम्प्लीटली डोमिनेट किया उस फाइट को। यहाँ पे जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, इट्स लाइक रॉब फॉन्ट हैज़ सम फ्लॉस। उनका ऑब्वियसली लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उनका रीच बहुत अच्छा है, तो दैट इज़ समवेयर वन ऑफ द एडवांटेजेस ही हैज़। तो मेन एडवांटेजेस अगर किसी फाइटर को हो सकता है, तो दैट वुड बी इफ दे ट्राई लेग किक्स, उनका लेग किक स्ट्रांग हो एंड बॉडी शॉट्स बहुत अच्छे से लैंड करें, एंड एक क्रिस्प टेक्निक रखें स्ट्राइकिंग में, कि ही कैन बी वेल कवर्ड अप व्हेन आउटसाइड द रेंज, एंड इनसाइड द रेंज भी बहुत वेल डिफेंडेड रहे। एंड दैट्स हाउ जोसे ऑल्डो फाइट्स, उनका जो डिफेंस है बहुत स्ट्रांग रहता है, एंड ही मूव्स इन, एंड उनका मेजर जो स्ट्राइकिंग होता है इट इज़ आफ्टर ही मूव्स इन।
तो दैट्स समथिंग रॉब फॉन्ट टेक्निकली अगर देखें तो विल बी एट अ डिसएडवांटेज। हाउएवर मुझे लगता है कि रॉब फॉन्ट जितना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ही विल हैव अ प्लान, ही विल एक पेस मेंटेन करेंगे इफ़ आई हैव टू से दैट, बिकॉज जोसे ऑल्डो को थोड़ा टायर आउट करने के बाद उनका जो होल्स है वो ओपन अप होता है। एंड जोसे ऑल्डो का जीतने का स्ट्रैटेजी आई थिंक लाइक वीजल ऑल्सो सेड कि इट विल इन्वॉल्व सम अमाउंट ऑफ ग्रैपलिंग, क्योंकि आइडियली ही हैज़ टू बी द फ्रेशर फाइटर एटलीस्ट इन द लेट राउंड्स। रॉब फॉन्ट को अभी तक किसी ने नॉकआउट किया नहीं है एंड मुझे नहीं लगता कि जोसे ऑल्डो भी कर पाएंगे, तो ही हैज़ टू बी फ्रेश इन लेटर राउंड्स सो दैट ही कैन पुल ऑफ द डिसीजन विक्ट्री। तो जोसे ऑल्डो अगर राउंड 2 or 3 के टाइम ग्राउंड पे ले जा सकें फाइट को, वहाँ पे थोड़ा डोमिनेट करें, तो देर इज़ अ चांस इवन वो सबमिशन से जीत सकते हैं। मीनवाइल रॉब फॉन्ट लाइक आई सेड वो ट्राई करेंगे कि पेस को मेंटेन रखें। इनिशियली अगर जोसे ऑल्डो थोड़ा लैंड भी करें चिल हिल टफ इट आउट, लेटर राउंड्स में आई थिंक जोसे ऑल्डो को हर्ट करेंगे एंड डिसीजन के लिए जाएंगे। इफ़ आई हैव टू प्रेडिक्ट वन विनर, मुझे लगता है कि आफ्टर वॉट वी सॉ अगेंस्ट कोडी गारबेंट इट्स हार्ड टू डाउट रॉब फॉन्ट एंड मुझे लगता है कि ही विल एज इट आउट। हाउएवर आई विल बी वेरी हैप्पी अगर जोसे ऑल्डो पुल ऑफ कर सकें इस फाइन को एंड आई एम रूटिंग फॉर अ गुड फाइट। मुझे लगता है ये डिसीजन जाएगा इफ़ आई टू मेक वन फिनिश पेस प्रेडिक्शन। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई फिनिश होने वाला है, दोनों बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं, तो वील होप फॉर अ रियली गुड फन फाइट। एंड मूविंग ऑन, वी ऑल्सो हैव अ रियली रियली फन को मेन इवेंट। दोनों एक टाइम पे ट्रेनिंग पार्टनर्स भी थे एक्चुअली। राफेल फिजियव इज़ मोर फ्रॉम अ मुआय थाय बैकग्राउंड एंड उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है वहाँ पे। मीन वाइल ब्रैड रिडल इज़ मोर ऑफ अ किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड गाय, जिनका काफ़ी डिसेंट रिकॉर्ड था किक बॉक्सिंग में। एंड दोनों का फाइटिंग स्टाइल इज़ मोर स्ट्राइकिंग हैवी इफ़ आई हैव टू से दैट, बिकॉज दोनों अपना स्ट्राइकिंग क्रेडेंशियल्स को बहुत अच्छे से कैरी आउट करते हैं। उनके ओपोनेंट्स उनके साथ स्ट्राइकिंग करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ब्रैड रिडल ने थोड़ा ग्रैपलिंग भी दिखाया है उनके फाइट में। मीनवाइल राफेल फिजियव नॉट सो मच ग्रैपलिंग वाइज, बट उसकी ज़रूरत भी नहीं है उनको। ही इज़ वेरी फ्लैशी इन स्ट्राइकिंग एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग किक्स, बॉडी किक्स एंड पंचेस लैंड करते हैं वो। उनका जब स्ट्राइक लैंड होता है तो एक आवाज़ आता है, यू कैन से दैट। ऑल्सो ही इज़ वेरी फेमसली नोन फॉर डॉजिंग अ रियली गुड हेड किक। वो जब हेड किक डॉज करते हैं तो कम्प्लीटली बैक उनका टर्न होता है पीछे, ऑलमोस्ट लाइक आपने मैहुना में देखा होगा वो स्पिट वाला सीन है जहाँ पे प्रोफेसर स्पिट करता है तो शाहरुख खान पूरा टिल्ट करता है पीछे। तो सेम वे राफेल फिजियव एक्चुअल फाइट में ऐसे करते हैं, तो दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग। तो उनका जो डॉजिंग टेक्निक्स है दैट्स रियली गुड। हाउएवर उनका एक अगर कंप्लेन बोलना हो तो लेटर राउंड्स में थोड़ा टायर आउट होते हैं, विच इज़ नॉट सो मच मेरे हिसाब से। ही डज वेल, बट ये मैंने सुना है कि एक इशू हो सकता है। अगर आई हैव टू से टेक्निकली मुझे कौन ज़्यादा बेटर लगते हैं स्ट्राइकिंग वाइज, अभी तक मुझे राफेल फिजियव का स्ट्राइकिंग थोड़ा डिसेंट लगता है ज़्यादा, बट दैट्स बिकॉज ब्रैड रिडल ने उतना स्ट्राइकिंग का डिस्प्ले किया नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर उनका स्ट्राइकिंग देखें मुझे लगता है कि ब्रैड रिडल हैज़ हार्डर पंचेस। हाउएवर वी आर येट टू सी हिज बेस्ट एंड डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेक्ट बेस्ड फाइट है। ये दोनों आगे जाकर और अच्छा काम करने वाले हैं एंड थोड़े सालों में हम जब ये फाइट को रिविजिट करेंगे तो हमें लगेगा अरे वाह ये फाइट कितना जल्दी हुआ था, वी डिड नॉट नो अबाउट दीज टू एट दैट टाइम। ऑलमोस्ट लाइक जैसे जस्टिन गेजी वर्सेस डस्टिन पोरिये, अभी जब तुम रिविजिट करोगे तो इट्स अ ह्यूज फाइट। मैक्स हॉलोवे वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर, डस्टिन वर्सेस मैक्स जब पहले हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे फाइट्स हैं जो पहले हो जाते हैं एंड बाद में जब हम देखते हैं तो इट लुक्स लाइक वाओ दिस वाज अ डिफरेंट टाइम। तो लेट्स होप फॉर अ रियली गुड फाइट वहाँ पे। आई थिंक दोनों अपना बेस्ट गेम लेकर आएंगे, हम स्ट्राइकिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हैं इसमें एंड मेरे हिसाब से तो डिसीजन जाएगा एंड इवेंचुअली आई थिंक राफेल फिजियव शुड बी एबल टू एज इट आउट। हाउएवर अगर ब्रैड रिडल ने इसको जीता तो प्रोबेबली उनका ये बेस्ट विन होगा यूएफसी में एंड ही इज ऑब्वियसली going to go for higher ranking fights after that. Iske alawa we also have another prospect based fight, Jamahal Hill versus Jimmy Crute. Kafi interesting fighters hain. Jamahal Hill is 30 years old and Jimmy Crute is 25, which is very young. And
एक टाइम पे जिमी क्रूट वॉज कंसिडर्ड एज द नंबर वन प्रॉस्पेक्ट इन अंडर 25 हु कैन बिकम द चैम्पियन एक्सेट्रा. उनका लास्ट लॉस वॉज अ काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट वन जहाँ पे उनका लेग डेड हो गया था आफ्टर अ लॉट ऑफ किक्स एंड एंथनी स्मिथ गॉट द विक्ट्री अगेंस्ट हिम. बट ही इज लुकिंग टू कम बैक विद अ वेरी सॉलिड फाइट एंड गिव इज ऑल. उनका स्ट्राइकिंग टेक्निकली थोड़ा सा वीक है बट ही इज़ वेरी एक्टिव. उनका पेस काफ़ी मैटर करता है उनके फाइटिंग स्टाइल में. मीनवाइल उनका जो ओपोनेंट है जमाल हिल इज़ अ रिलेटिवली मोर टेक्निकल स्ट्राइकर. उनका किक्स उनका पंचेस बहुत अच्छे से टाइम्ड रहता है एंड ही इज़ अ लिटल समन हु स्ट्रेचेस अ बिट लाइक एज अ क्लोज रेंज फाइट नहीं करते वो थोड़ा अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एंड रेंज स्ट्राइक्स में लैंड करते हैं. जिमी क्रूट ऑल्सो वैसे ही हैं. उनको लेग किक्स लैंड करना बहुत पसंद था बट उनका लास्ट फाइट के बाद शायद वो थोड़ा सा और केयरफुल रहेंगे. मीनवाइल जो जमाल हिल है उनका लेफ्ट हैंड स्ट्राइकिंग बहुत अच्छा था बट लास्ट फाइट में उनका आर्म डिसलोकेट हुआ था तो उसके बाद से शायद वो थोड़ा सा और केयरफुल रहेंगे कि स्ट्राइक्स लैंड करने के टाइम कुछ इशू ना हो. बट दैट्स समवेयर हिज डिसएडवांटेज ऑल्सो बिकॉज अगर वो लेफ्ट लैंड नहीं करेंगे तो उनका स्ट्राइकिंग एक तरफ से उतना सेम नहीं रहेगा एंड वहाँ पे जिमी क्रूट थोड़ा एडवांटेज ले सकते हैं. ऑल्सो उनका टेक डाउन डिफेंस थोड़ा वीक है एंड दैट्स वाई जिमी क्रूट कैन टेक एन एडवांटेज. वो ग्राउंड पे अगर ले गए फाइट को तो फिर जमाल हिल को थोड़ा सा इशू होगा. आई वॉन्ट जमाल हिल टू विन. मैं चाहता हूँ कि वो आगे जाके और अच्छा काम करें बट यहाँ पे वन सीइंग एवरीथिंग इन अ वेरी न्यूट्रल लेवल तो जिमी क्रूट इज़ अ लिटिल बिट बेटर एंड शायद वो जीत जाए. आई होप फॉर जमाल हिल बट यहाँ पे जिमी क्रूट मेक गेट अ डिसीजन. कार्ड आई थिंक 5:30 को स्टार्ट हो रहा है इन इंडिया तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा. मेन इवेंट आई थिंक 8:00 8:30 तक जा सकता है तो जस्ट आप ट्यून इन रहिए 8 तक तो यू विल आई थिंक कैच द फाइट एंड दैट्स ऑल फॉर दिस कार्ड. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक फॉर UFC 269 विच आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर एंड तब तक के लिए एन्जॉय द फाइट्स. टेक केयर. बाय.